नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। हर साल 15 अगस्त के दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा रहता है। हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन ऐसी क्या खास बात थी जो 15 अगस्त को ही चुना गया, और ऐसा क्या राज था कि वर्ष 1947 को ही स्वतंत्रता का ऐलान किया गया। आज हम आपको 15 अगस्त के बारे में 15 ऐसे सच बताने वाले जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पहला सच, 1947 नहीं क्यों। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आजादी मिलने का प्रावधान था। वाइसराय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेट की भारतीय नेताओं से बात शुरू हो गई थी, जिसके चलते आजादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। दूसरा सच, 15 अगस्त क्यों। गांधी जी के जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की हिंदू फौज की गतिविधियों से देश की जनता आजादी के लिए जागरूकता हो गई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित थी। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन एलाइड फोर्स के कमांडर थे। तीसरा सच, रात 12 बजे ही क्यों। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी तो देश के ज्योतिषियों में खलबली मच गई। उनके अनुसार ये तारीख अमंगल थी, लेकिन बेटन 15 अगस्त पर ही अड़िग थे, जिसके बाद ज्योतिषों ने उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया। कारणवश जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच 12 बजे तक खत्म करके शंखनाद किया। चौथा सच, आजादी के दिन क्यों नहीं शामिल हुए गांधी जी। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि जिस दिन भारत को आजादी मिल रही थी उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली नखोली में हिंदू मुसलमानों के बीच चल रहे दंगों को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। जिस व्यक्ति ने तो उम्र देश की सेवा में गुजार दी, भला वो देश का आजादी का हिस्सा क्यों नहीं बनता। इस दिन कांग्रेस के बड़े नेता गांधी जी को बुलाने गए थे, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। गांधी जी ने नखोली से प्रेस विज्ञापन जारी करके कहा, मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो आजादी आ रही है ये मैंने नहीं लाया, सत्ता के लालची लोग सत्ता के हस्तांतरण के चक्कर में फांस कर लाए। पांचवा सच, 14 अगस्त की रात 9 बजे क्यों सो गए थे गांधी जी। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने वायसराय लॉज से ऐतिहासिक भाषण दिया था। भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन उस रात देश की राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा और देश की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी 9 बजे ही सो गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का लागू होना और पूर्ण स्वराज नहीं मिलना। छठा सच, लाल किले से नहीं फहराया गया था झंडा। हर स्वतंत्र दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किला में झंडा फहराया था। सातवां सच, कितने देशों को मिली आजादी। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1941 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। आठवां सच, राष्ट्रगान होने के बावजूद नहीं गाया गया राष्ट्रगान। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उस दिन राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। नौवां सच, 15 अगस्त के दिन जिन्ना ने क्या कहा। जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रस्साकसी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में झगड़े शुरू हो गए थे। दसवां सच, भारत पाक के बीच कब हुआ सीमा का निर्धारण। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। ग्यारहवां सच, ऐतिहासिक भाषण में नेहरू ने क्या कहा। बहुत सालों पहले हमने भाग्यवती से प्रतिज्ञा की थी और अब समय आ गया है जब हम अपने वादे को पूरा करेंगे, न ही पूर्णता या पूरी मात्रा में बल्कि बहुत मजबूती से। मध्य रात्रि घंटे के स्पर्श पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आज़ादी के लिए जगेगा। आज हमने अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर दिया है और भारत ने खुद को फिर से खोजा है। बारहवां सच, कैसे शुरू हुआ 15 अगस्त का दिन। 15 अगस्त के दिन की शुरुआत 8:30 बजे हुई, जब वाइसराय लॉज, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई सरकार ने सेंट्रल हॉल में शपथ ली। तेरहवां सच, आजादी के दिन पर गांधी जी ने लिखे पत्र। आजादी के दिन महात्मा गांधी दिल्ली नहीं गए, बल्कि नखोली में बैठकर पत्र लिखे। सबसे पहले गांधी जी ने ब्रिटेन में रहने वाले अपने दोस्त अगाथा हैरिसन को एक पत्र लिखा और उन्हें बताया कि वे ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि देश को आजादी मिली। उन्होंने उस दिन उपवास रखा। पूरे दिन में वे कई छात्रों से मिले और कुछ लिखते रहे। चौदहवां सच, क्या वाकई पाक 14 अगस्त को आजाद हुआ था। रेडियो पाकिस्तान हर साल जिन्ना साहब की आवाज में पहले बधाई सुनता है।
जिसमें वे कहते हैं कि 15 अगस्त को आज़ाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। पाकिस्तान बनने के बाद दो स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को ही मनाए गए, लेकिन जिन्ना साहब की आंखें बंद होते ही जाने किसने चुपके से स्वतंत्रता के घड़ियाल पे पूरे 24 घंटे पीछे कर दिए। तब से आज तक पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। 15वां सच, गांधी जी के टूटे थे तमाम सपने। 3 जून 1947 को माउंटेन बेटन ने जिन्ना के कहने पर भारतीय विभाजन की योजना रखी। इनमें कहा गया कि पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुत इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान बनेगा। ब्रिटेन संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया, जिसके नतीजे में 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, जिससे गांधी जी के तमाम सपने टूटे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियो सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।